हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग? आशा करते हैं अच्छा होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर से वीडियो क्लिप से स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आ गया हूं। तो फिर में तो देख लिया वीडियो कैसा होने वाला। तो दोस्तों, इस स्टेटस को बनाने के लिए वीडियो को एकदम पूरा देखे बिना स्किप किए। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो अच्छा लगता है खराब लगता है एक कमेंट भी कर दीजिए। और मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रोज़ इस तरह वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। और वीडियो बनाने में कोई भी परेशानी आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके साथ साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये जो PNG यूज होने वाला है ये PNG फोटो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो वीडियो क्लिप्स यूज होने वाला है वो वीडियो क्लिप्स मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर देना। तो सबसे पहले इस स्टेटस को बनाने के लिए एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना। तो मैं एलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों देखो, एलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद ये जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है ये प्रोजेक्ट ऑप्शन में आ जाना। और देखो, ये जो संग बीट मार प्रोजेक्ट और ये जो सेकीपैड प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से सबसे पहले डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करना नहीं आता है तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर देख लेना। तो सबसे पहले देखो, ये जो संग बीट मार प्रोजेक्ट है, यह संग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना। तो संग बीट मार प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद संग बीट मार प्रोजेक्ट का इंटरफेस कुछ इस तरह आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो। तो दोस्तों, फास्ट में देखो, ये जो देखो ग्रुप है, ये ग्रुप में मैं देखो ये जो इफेक्ट आप लोग देख रहे हो ये मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ, ये ग्रुप को हटाना नहीं। जो देखो जितने सारे ग्रुप है ये सभी ग्रुप को हटाना नहीं। और देखो, ये जो PNG लेयर है ये PNG लेयर को भी हटाना नहीं। तो दोस्तों, आप लोग क्या करना होगा, देखो सबसे पहले ये जो बिट है 8.01 सेकेंड में जो बिट है ये बिट में आप आ जाना। और यहाँ पर आने के बाद जिस वीडियो पे आप वीडियो बनाना चाहते हो उस वीडियो को ऐड करना होगा। तो देखो, सबसे पहले वीडियो ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना है और मीडिया ऑप्शन में आ जाना। मीडिया ऑप्शन में आने के बाद देखो, फर्स्ट में ये जो वीडियो है ये वीडियो को ऐड कर लेना। तो कोई भी आप वीडियो ऐड कर सकते हो, मैं एक वीडियो ऐड करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो, तो ये वीडियो को मैं ऐड कर लिया हूँ। वीडियो ऐड करने के बाद ऊपर में देखो जो 3 डॉट है यहाँ पर टच करना होगा, और इधर से फिल कंपोजिशन एरिया को टच कर देना। उसके बाद देखो, ये जो वॉल्यूम ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इस वीडियो का वॉल्यूम 0 कर देना। उसके बाद देखो, अगला जो बिट है ये बिट में आ जाना। ये बिट में आने के बाद इसी वीडियो को, मतलब ये जो वीडियो है यही वीडियो को मिडिल कट करना है। देखो यहाँ पर टच कर देना तो मिडिल कट हो जाएगा, देख सकते हो। तो दोस्तों, अब क्या करना है, फिर से आगे चले जाना। और देखो, ये जो 13.25 सेकेंड के बाद जो बिट है, मतलब ये जो बिट है ये बिट के आगे देखो ये वीडियो लेयर चला गया। तो ये वीडियो लेयर को कट करना होगा। ये जो बिट है ये बिट के बराबर करना है, तो ये वीडियो लेयर को टच करना है और इधर से बाकी का पार्ट काट करके हटा देना। तो ये जो वीडियो लेयर है देखो ये बिट के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 13.25 सेकंड में जो बिट है ये बिट में फिर से और एक वीडियो को ऐड करना होगा। तो वीडियो ऐड करने के लिए देखो, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और एक वीडियो को ऐड कर लेना। तो वीडियो ऐड करने के बाद देखो कुछ इस तरह वीडियो फर्स्ट में दिखाएगा। देखो, तो आप मतलब जहाँ से आपको ये वीडियो चाहिए उधर आ जाना और बाकी का पार्ट कट करके हटा देना। उसके बाद फिर से आगे आ जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो वीडियो ले यार देखो, ये जो बिट है ये बिट में आ जाएगा। उसके बाद आगे चले जाना। आगे आने के बाद ये जो वीडियो बाकी का ले यार है उसको कट करके हटा देना। तो सिंपल यहाँ पर टच कर देना तो कट हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो का जो वॉल्यूम है वो 0 कर देना। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करके 0 कर देना। उसके बाद ऊपर में जो 3 डॉट है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से फिल कंपोजिशन एरर को टच कर देना। तो ये जो वीडियो है ये वीडियो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा करके आप लोग ये जो बिट है ये बिट में अलग अलग वीडियो को ऐड कर लेना। और फर्स्ट में देखो, ये जो 2 बिट है ये 2 बिट में एक ही वीडियो को ऐड करना होगा और कहीं पर भी एक वीडियो को दोबारा ऐड करना नहीं होगा। देखो, ये जो बिट है ये सभी बिट में अलग अलग वीडियो को ऐड कर लेना। तो मैं सभी बिट में अलग अलग वीडियो को ऐड करके आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों देख सकते हो, मैं सभी बिट में वीडियो को ऐड कर लिया। तो आप भी ऐसे करके सभी बिट में वीडियो को ऐड कर लेना। और वीडियो ऐड करने के बाद देखो, फर्स्ट में आ जाना और फर्स्ट में देखो ये जो ग्रुप है यहाँ पर देखो मैं डेट और टाइम देकर रखा हूँ। अगर ये एडिट करना आप चाहते हो तो क्या करना होगा, देखो ये जो ग्रुप 5 लेयर है ये लेयर को टच करना होगा। एडिट ग्रुप में आ जाना और ये ग्रुप में आने के बाद देखो, फर्स्ट में जो 1 ग्रुप है, मतलब ग्रुप नंबर 1, तो ये लेयर को टच करना होगा। फिर से एडिट ग्रुप में आ जाना और देखो यहाँ पर जो टाइम है ये टाइम को अगर चेंज करना चाहते हो तो ये लेयर को टच करना, टेक्स्ट में चले जाना और इधर से आप लोग टाइम को चेंज कर लेना। चेंज करने के बाद देखो यहाँ पर जो डेट है ये डेट को भी अगर चेंज करना चाहते हो तो ये लेयर को टच करना। ये जो देखो यहाँ पर जो एडिट टेक्स्ट यहाँ पर आ जाना और यहाँ से आप लोग ये जो डेट है उसको चेंज कर लेना।
तो दोस्तों फिर से बैक हो जाना चेंज करने के बाद। और देखो ये जो वीडियो आपने ऐड किया ये वीडियो में आप इफेक्ट देंगे, तो इफेक्ट देने के लिए देखो सबसे पहले ये जो फर्स्ट में जो वीडियो है ये वीडियो में इफेक्ट देंगे, तो ये वीडियो में ऑन नंबर इफेक्ट देना होगा। और दोस्तों देखो ये मैं इफेक्ट नंबर जो देकर रखा हूँ, वीडियो बनाने के बाद ये जो इफेक्ट नंबर है इसको डिलीट कर देना। तो सबसे पहले देखो ऑन नंबर इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना। आने के बाद देखो यहाँ पर जो ऑन नंबर जो इफेक्ट है ये फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना उसका, तो बैक हो जाना। और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, तो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आगे चले जाना। और यहाँ पर देखो ये जो ऑन नंबर जो इफेक्ट नीचे लिखा हुआ है देखो, तो ये जो वीडियो लेयर है ये वीडियो लेयर में ऑन नंबर इफेक्ट देना होगा। तो सबसे पहले ये वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो वीडियो है ये वीडियो में ऑन नंबर इफेक्ट ऐड हो गया। तो दोस्तों ये जो ऑन नंबर इफेक्ट है ये ऑन नंबर इफेक्ट को और कहीं पर भी देना नहीं होगा, देख सकते हो। तो दोस्तों अब ये जो टू नंबर जो इफेक्ट है तो ये वीडियो क्लिप में टू नंबर इफेक्ट देना होगा, तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना। और देखो ये जो सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट में आ जाना फिर से। और देखो ये जो टू नंबर जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को कॉपी कर लेना, तो फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना उसका, तो बैक हो जाना। और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आगे चले जाना। तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा टू नंबर इफेक्ट देखो यहाँ पर, तो ये जो वीडियो लेयर है मतलब ये जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर टू नंबर इफेक्ट को देना होगा, तो ये वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट कर देना। तो देख सकते हो जो वीडियो है वीडियो में टू नंबर इफेक्ट ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चले जाना, तो आगे फिर से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखो टू नंबर इफेक्ट, तो ये जो वीडियो है ये वीडियो में ये इफेक्ट को फिर से दे देना, उसके बाद फिर से आगे आ जाना। और आगे आने के बाद देखो यहाँ पर जो थ्री नंबर जो इफेक्ट है वो देना होगा ये वीडियो क्लिप में, तो थ्री नंबर इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद ये जो थ्री नंबर जो इफेक्ट है ये इफेक्ट को कॉपी कर लेना, तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना उसका, तो बैक हो जाना। और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ओपन करने में सॉरी दोस्तों ओपन करने के बाद आगे चले जाना, तो यहाँ पर तीन नंबर जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा देखो, ये जो वीडियो क्लिप है यहाँ पर तीन नंबर इफेक्ट को देना होगा देखो, यहाँ पर मैं लिख कर रखा हूँ, तो ये वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो जो थ्री नंबर जो इफेक्ट है वो ऐड हो गया। तो दोस्तों आगे चले जाना, तो फिर से यहाँ पर तीन नंबर जो इफेक्ट है देखने को मिल जाएगा देखो, तो यहाँ पर भी तीन नंबर इफेक्ट को दे देना और लास्ट में एक चार नंबर इफेक्ट को देना होगा। तो दोस्तों अब ये चार नंबर इफेक्ट को देंगे, तो चार नंबर इफेक्ट देने के लिए बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद देखो लास्ट में जो फोटो लेयर है फोटो लेयर को टच करना होगा, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके कॉपी इफेक्ट कर लेना उसका, तो बैक हो जाना। और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद आगे चले जाना, तो यहाँ पर चार नंबर जो इफेक्ट है वो देखने को मिल जाएगा यहाँ पर देखो, तो ये जो वीडियो लेयर है ये वीडियो लेयर में चार नंबर इफेक्ट को देना होगा, तो ये वीडियो लेयर को टच करना, इफेक्ट में चले जाना, थ्री डॉट पर टच करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो देख सकते हो ये जो वीडियो लेयर है ये वीडियो लेयर में चार नंबर इफेक्ट ऐड हो गया। तो दोस्तों अब क्या करना है, फिर से बैक हो जाना और सेक इफेक्ट प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर लेना, ओपन करने के बाद देखो ये जो ऊपर में जो तीन लेयर है ये तीन लेयर को ऐसे लॉन्ग प्रेस करके टिक कर लेना, टिक करने के बाद देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से कॉपी थ्री लेयर कर लेना उसका, तो बैक हो जाना। और फिर से सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, तो ओपन करने के बाद देखो एकदम फर्स्ट बीट में आ जाना और फर्स्ट बीट में आने के बाद ये थ्री लेयर को पेस्ट कर देना। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच करना होगा और इधर से पेस्ट थ्री लेयर कर देना, उसके बाद एकदम लास्ट बीट में चले जाना और थ्री लेयर को एकदम लास्ट तक ले आना ऐसे करके देखो, ये लेयर को टच करना, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना, उसके बाद फिर से आगे चले जाना और जहाँ देखो ये जो फर्स्ट जो वीडियो लेयर शुरू होता है यहाँ पर आ जाना देखो, ये जो ऑन नंबर इफेक्ट लिखा हुआ है ये बीट में आ जाना। और देखो फर्स्ट में जो ये जो लेयर है ग्रुप लेयर, ये ग्रुप लेयर को टच करना और इधर से बाकी का मतलब आगे का जो पार्ट है उसको कट कर देना। तो देख सकते हो कुछ इस तरह, आगे में देखो ये जो नीचे जो ब्लैक कलर का जो शेड है वो हट जाएगा आगे देखो, उसके बाद ये जो बीट है ये बीट में आ जाना और ये बीट में आने के बाद एक पीएनजी को ऐड करेंगे, तो पीएनजी ऐड करने के लिए प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना और देखो ये जो पीएनजी है ये पीएनजी को ऐड कर लेना, उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और नीचे यहाँ पर सेट कर लेना जहाँ आप ये पीएनजी को रखना चाहते हो। तो देखो मैं यहाँ पर रख दिया हूँ, यहाँ पर रखने के बाद एक बार बैक हो जाना, एकदम लास्ट बीट में चले जाना और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना।
उसके बाद फिर से आगे आ जाना एकदम फर्स्ट बीट में, और फर्स्ट बीट में आने के बाद और एक 3G बॉर्डर को ऐड करना होगा, तो उसके लिए फिर से प्लस ऑप्शन को टच करना, मीडिया ऑप्शन में आ जाना। और दोस्तों देखो ये जो 3G बॉर्डर है, ये 3G बॉर्डर को ऐड कर लेना। तो 3G बॉर्डर को ऐड करने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, तो अगर थोड़ा जूम करना मतलब बड़ा करना चाहते हो तो मूव एंड ट्रांसफर में आ जाना और जूम ऑप्शन में आ गए, इस तरह करके थोड़ा जूम कर लेना, बड़ा कर लेना, उसको देख एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बिट में चले जाना, और ये जो ऑप्शन है यहाँ पर टच कर देना। तो देख सकते हो ये जो बॉर्डर है कुछ इस तरह हमारा ऐड हो गया। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमारा जो वीडियो है वन के तैयार हो गया, तो वीडियो को अब एक्सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए देखो ऊपर में जो ऑप्शन है यहाँ पर शेयर ऑप्शन है, ये ऑप्शन को टच करना है और इधर से वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद।